Hello student, welcome again in Vivekananda Academy of Human Excellence course YouTube channel. कक्षा पहली विषय हिंदी. जैसे कि आप जानते हो, इससे पहले हमने मात्राओं के बारे में जानकारी ली है. अ से लेकर ओ तक की मात्रा का अभ्यास किया. इन मात्राओं के अभ्यास के बाद हमने अयोगवाह यानी उसमें अनुस्वार का अभ्यास किया. अनुस्वार, अनुस्वार की परिभाषा हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं. किसी भी वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं. यह हमें जानकारी ज्ञात हो गई है और हम इस प्रकार से बिंदु वाले शब्द भी पहचानते हैं. अब इस अयोगवाह में हम अनुस्वार के बाद जिसकी पढ़ाई करने वाले हैं, जिसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं, वो हमारा आज का विषय यानी टॉपिक है अनुनासिक. अनुनासिक भी अयोगवाह है. अनुस्वार के बाद आने वाला, अनुस्वार में होता है एक बिंदु जो हम किसी भी वर्ण के ऊपर लगाते हैं और उच्चारण करते समय अं या अम से शुरू करते हैं. उसके बाद आने वाला है अनुनासिक. तो अनुनासिक क्या है? अब अगर यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर आप देखते हैं तो हमने कुछ शब्दों का लेखन किया है, जैसे कि गांव, पूंछ, छांव, ऊंट, बूंद, कांच. वैसे तो आप इन शब्दों को पढ़ना चाहते हैं. आपको अगर पढ़ने के लिए कहा जाए तो आप पढ़ सकते हो गांव, पूंछ, छांव, ऊंट, बूंद, कांच. तो इन शब्दों में क्या अलग दिखाई दे रहा है, क्या भिन्नता दिखाई दे रही है? इस चिन्ह को, इस वर्ण के ऊपर के चिन्ह को, ग के ऊपर के चिन्ह को, प के ऊपर दिए गए चिन्ह को, छ के ऊपर दिए गए चिन्ह को, ओ के ऊपर दिए गए चिन्ह को, बो के ऊपर दिए गए चिन्ह को और क के ऊपर दिए गए चिन्ह को अगर हम देखते हैं तो हमें ये बिंदु दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, बिंदु यहाँ पर है लेकिन ये चंद्रबिंदु दिखाई दे रहा है. चंद्रबिंदु दिखाई दे रहा है. अगर बिंदु कहते हैं तो ये ऐसे बिंदु और हम इसे कहते हैं अनुस्वार. लेकिन अगर हम इन शब्दों का निरीक्षण करते हैं तो हमें यह चिन्ह कुछ अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पूरे शब्द में जैसे गांव, पूंछ, छांव, ऊंट, बूंद, कांच, इन सभी शब्दों में आप अगर देखेंगे तो ऊपर वर्ण के ऊपर यह चंद्रबिंदु दिया गया है. अगर इन शब्दों का निरीक्षण करते हैं तो यहाँ पर दिया गया चिन्ह कुछ अलग है. तो ये अलग चिन्ह क्या है? चलिए देखते हैं इस चिन्ह की परिभाषा, क्योंकि हम आज जानकारी ले रहे हैं अनुनासिक के बारे में. तो ये जो अलग बिंदु से अलग दिखने वाला ये जो चिन्ह है उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक. क्या कहते हैं? अनुनासिक. तो इस अनुनासिक की परिभाषा, अनुनासिक की डेफिनेशन हम देखते हैं. वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु, यानी यह चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहा जाता है. वर्ण के ऊपर लगने वाले, वर्ण के ऊपर, ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ शब्द है जैसे कि गांव, पूंछ, छांव, ऊंट, बूंद, कांच और एक वर्ण के ऊपर लगने वाले. वर्ण के ऊपर हमारी परिभाषा के अनुसार वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु. अब हमें याद हुआ कि इस चिन्ह को क्या कहना है? चंद्रबिंदु कहना है. इसे चंद्रबिंदु को क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं. अब हम इस अनुस्वार को तो जानते ही है, अब इस चिन्ह को क्या कहते हैं? चंद्रबिंदु कहते हैं. तो अनुनासिक यानी क्या?
चंद्रबिंदु। अब अगर किसी वर्ण के ऊपर चंद्रबिंदु लगाया जाता है तब हम पहचान सकते हैं, बिंदु लगाया जाता है तो भी हम पहचान सकते हैं। ये है बिंदु और ये है चंद्रबिंदु। बिंदु यानी अनुस्वार, चंद्रबिंदु यानी अनुनासिक। बिंदु यानी अनुस्वार, चंद्रबिंदु यानी अनुनासिक। तो अनुनासिक की परिभाषा हमें क्या मिली? वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहा जाता है। जबकि हमने यहाँ पर देखा गाँव शब्द में ग वर्ण के ऊपर अनुनासिक है, पूंछ शब्द में प वर्ण के ऊपर अनुनासिक है, छाव शब्द में छ वर्ण के ऊपर अनुनासिक है, ऊंट शब्द में ओ वर्ण के ऊपर अनुनासिक है, बूंद शब्द में बू वर्ण के ऊपर अनुनासिक है और कान शब्द में क वर्ण के ऊपर अनुनासिक है। यानी इन वर्णों के ऊपर क्या दिया गया है? चंद्रबिंदु दिया गया है। जैसे कि हम कहते हैं वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं, उसी प्रकार अनुनासिक की परिभाषा है कि वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्रबिंदु को, वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहते हैं। और एक बात हमें जान लेनी चाहिए कि अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग ये क्या है? अयोगवाह है। क्या है ये? अयोगवाह है। अयोगवाह क्यों है? क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से लिखे नहीं जाते, जैसे कि स्वर स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं, इन्हें भी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार यानी बिंदु, अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु और विसर्ग यानी ऐसे ये दो बिंदु, ये क्या है? अयोगवाह है। तो अयोगवाह में से हमने अनुस्वार को जान लिया और आज हम चंद्रबिंदु के बारे में यानी अनुनासिक के बारे में जानकारी ले रहे हैं। अब तक हमें पता चला कि वर्ण के ऊपर लगने वाला चंद्रबिंदु यानी हमारा अनुनासिक है। तो अब हमें यह अनुनासिक की जानकारी प्राप्त हुई है, वो सही है या गलत ये देखते हैं इस प्रश्न के द्वारा। प्रश्न है चंद्रबिंदु लगाकर शब्द बनाइए। अब हमें परिभाषा ज्ञात हुई है कि वर्ण के ऊपर लगने वाला चंद्रबिंदु। अब हमें इन अक्षरों में सही वर्ण के ऊपर क्या लगाना है? चंद्रबिंदु लगाकर शब्द तैयार करने हैं। फॉर एग्जाम्पल कांच। अब हमें सही वर्ण के ऊपर चंद्रबिंदु लगाना है। हम क्या करेंगे? काच हमें चंद्रबिंदु लगाएंगे। अगर च के ऊपर लगाएंगे तो काचा नहीं, यह गलत है। तो हम का वर्ण के ऊपर चंद्रबिंदु लगाएंगे और अर्धचिह्न यानी सार्थक शब्द बनाएंगे। काच सार्थक शब्द बनाएंगे। काच आगन, आगन यह अर्थपूर्ण शब्द है, सार्थक शब्द है, मीनिंगफुल वर्ड है? नहीं। तो हमें इस शब्द को मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण, कुछ ना कुछ अर्थ वाला शब्द हमें जब बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसी तीन अक्षरों में से, तीन वर्णों में से किसी एक वर्ण के ऊपर आ यानी चंद्रबिंदु अनुनासिक जोड़ना है। तो हम कौन से वर्ण के ऊपर जोड़ेंगे? वर्ण के ऊपर चंद्रबिंदु यानी अनुनासिक जोड़ेंगे और हमारा शब्द तैयार करेंगे आंगन। शब्द तैयार करेंगे आंगन। इस प्रकार हमने कांच से कांच, आंगन से आंगन। देखिए कांच उच्चारण देखिए, हमारा प्रोनाउंसिएशन देखिए, आंगन देखिए, ये अर्थहीन लग रहे हैं। लेकिन जब हमने क वर्ण के ऊपर अनुनासिक लगाया यानी चंद्रबिंदु लगाया तो अर्थपूर्ण सार्थक शब्द हमें मिलता है, उससे हमें कुछ ना कुछ अर्थ प्राप्त होता है। कांच फौरन हमारे सामने किसी ना किसी कांच की वस्तु का दर्शन हुआ, मीन्स हमने उसको इमेजिन किया, हमें कल्पना स्वरूप हम उस कांच की वस्तु या कांच का हमें ज्ञान हुआ। आंगन
आगन से हम थोड़े मींस हमें कुछ ज्ञात नहीं हो रहा है, आगन मींस व्हाट, लेकिन जब हमने आ के ऊपर चंद्र बिंदु लिया तब फौरन हमें हमारा आंगन याद आया। आंगन, हमारा आंगन कैसा है, बड़ा है, छोटा है, आंगन में क्या क्या है, यह हमें धारणाएं हमारे मन में उमकने लगी। नेक्स्ट पांच, पांच हम इसे करेंगे, पांच गोवर्धन के ऊपर लगाएंगे चंद्र बिंदु, करेंगे पांच। ओके, तो कैसे किया, कांच से कांच, आंगन से आंगन, पांच से पांच। कहां कहां हमें करना है, तो हम देंगे गोवर्धन के ऊपर चंद्र बिंदु देंगे और हमारा मीनिंगफुल वर्ड तैयार करेंगे, यानी कहां। आंसू, आंसू, आ, आपके ऊपर लगाएंगे चंद्र बिंदु, स, स को बड़े की मात्रा दी, शब्द मीनिंग फुल तैयार हुआ आंसू। मां, यानी मां हमें शब्द तैयार करना है, म वर्ण के ऊपर हमने यहाँ पर दिया चंद्र बिंदु और वर्ड तैयार किया मां। इस प्रकार हमने कांच से कांच, आंगन से आंगन, पांच से पांच, कहां से कहां, आंसू से आंसू और मां से मां, ये क्या किया, चंद्र बिंदु लगाकर सार्थक शब्द तैयार किए, चंद्र बिंदु वाले शब्द तैयार किए, क्योंकि हमने अनुनासिक की परिभाषा ज्ञात की है। तो अनुनासिक की परिभाषा क्या है, वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को। देखिए वर्ण के ऊपर हमने यहाँ पर चंद्र बिंदु दिया है, कर्ण वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु दिया है, आ के ऊपर चंद्र बिंदु दिया है, प वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु दिया है, यहाँ पर हमने ह वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु दिया है, आ के ऊपर चंद्र बिंदु दिया है, म वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु दिया है। इस प्रकार हमें जानकारी यह मिली कि वर्ण के ऊपर दिए गए चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। इस प्रकार हम आज क्या सीख रहे हैं, चंद्र बिंदु का उपयोग, चंद्र बिंदु की परिभाषा, चंद्र बिंदु पहचानना, चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक युक्त वर्ण का उच्चारण करना और उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना सीख रहे हैं। अनुनासिक यह एक अयोग बाह है, क्योंकि अयोग बाह चिन्ह वो होते हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से लिखा नहीं जाता या उसका उच्चारण नहीं हुआ जाता, इसलिए अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग इन्हें अयोग बाह कहा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, अब हमने चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक की पढ़ाई की है, अनुनासिक के बारे में जाना है, उसे अयोगवाह क्यों कहते हैं ये भी जाना है। तो अब हम कुछ ऐसे शब्द, चंद्र बिंदु वाले शब्द, उनके वर्णों को अलग करके देखते हैं, ताकि चंद्र बिंदु के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। तो यहाँ पर देखिए, हमने उदाहरण के तौर पर शब्दों से वर्णों को अलग कीजिए, शब्दों से वर्णों को अलग कीजिए, शब्द दिया गया है घूंट, शब्द दिया गया है घूंट। अब इस शब्द के वर्णों को हमने अलग करने का क्या किया है, घ व्यंजन, घ के नीचे हरण चिन्ह दिया, ऊ बड़े ऊ की मात्रा दी और चंद्र बिंदु दिया। देखिए यहाँ पर हमने पहले बताया था कि ये अयोग वाह है, विसर्ग, अनुनासिक, अनुस्वार, बिंदु, चंद्र बिंदु और ये दो बिंदु आगे अक्षर के आगे वर्ण के आगे दिए जाने वाले ये दो बिंदु, ये अयोग बाह है, हमें इससे बहुत पता चलता है। कैसे, देखिए अब जब हमें चंद्र बिंदु लिखना है तो हमें उस स्वर के साथ लिखना पड़ रहा है, चंद्र बिंदु हो, बिंदु हो, इन्हें हम स्वतंत्र रूप से नहीं लिख रहे, ये देते समय हमें ऊ के ऊपर देना पड़ा, आ के ऊपर देना पड़ा, आ के ऊपर देना पड़ा, यहाँ आगे ऊपर देना पड़ा। अगर कहीं पर भी देखेंगे तो चंद्र बिंदु, बिंदु यानी अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग देते समय हमें अन्य स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए उनको अयोगवाह कहा जाता है। चलिए शब्दों से वर्णों को अलग करते हैं, घूट शब्द के वर्ण अलग किए, घ उसके नीचे हरण चिन्ह प्लस उसमें ऊ
और उ के नीचे चंद्र बिंदु दिया गया। उ प्लस ट प्लस अ, यहाँ घ प्लस उ हो गया घु और ट प्लस अ हो गया ट घूट। चंद्र बिंदु मीन्स उच्चारण करते समय हम न अनुनासिक न का भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं और चंद्र यानी ओ ओ के जैसा भी हम उच्चारण करते हैं। गांव गांव, ग ग के नीचे हलन चिन्ह, आ ब के नीचे हलन चिन्ह, ओ और ये स्वर है इसलिए ये स्वतंत्र रूप से लिखे गए हैं, इनके नीचे हलन चिन्ह नहीं दिया गया। गा के स्वर अलग हो गए वर्ण ग प्लस अ और ग के हो गए ग प्लस अ, और इस प्रकार हमने गांव शब्द के वर्णों को अलग किया। उसके बाद मान म प्लस अ, म प्लस अ द प्लस अ मान। आगे सास सा, इसके लिए हमने लिया स, उसके लिए विकलन चिन्ह और आ सा और स के लिए स प्लस अ, क्योंकि स लिखते हैं हम सब, हमें ये अपूर्ण व्यंजन है और उसमें अपूर्ण व्यंजन के कारण हमने उसके नीचे हलन चिन्ह दिया और उसमें मिलाया अस्वर। सांस शब्द के हमने वर्णों को अलग किया स प्लस आ प्लस स प्लस ओ सांस। पाव पाव प प्लस ओ प प्लस ओ पाव और व प्लस अ व पाव, व के नीचे हलन चिन्ह। कहीं पर भी आप जब वर्ण अलग करते हैं तो देखेंगे तो जो भी व्यंजन है इसके नीचे हलन चिन्ह दिया होता है वो इसलिए दिया होता है क्योंकि तब तक वह व्यंजन अपूर्ण रूप से लिखे होते हैं, जब उनमें कोई ना कोई स्वर मिलता है तब वो पूर्ण लेखन योग्य होते हैं। यहाँ पर यह व्यंजन अपूर्ण है इसलिए इनको अपूर्ण अवस्था में यानी हलन चिन्ह देकर लिखा गया है, और इस प्रकार हमने चंद्रबिंदु का इस्तेमाल करके चंद्रबिंदु का उपयोग करके यह इन शब्दों के चंद्रबिंदु वाले शब्दों के वर्णों को इस प्रकार हमने अलग किया है। इससे हमें क्या प्राप्त हुई, चंद्रबिंदु के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हुई है। तो चंद्रबिंदु यानी अनुनासिक, चंद्रबिंदु यानी अनुनासिक किसी भी वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल घ के ऊपर दिया गया है यह चंद्रबिंदु, गा के ऊपर दिया गया है यह चंद्रबिंदु, मा के ऊपर दिया गया है यह चंद्रबिंदु, सा के ऊपर दिया गया है यह चंद्रबिंदु, पा के ऊपर दिया गया यह चंद्रबिंदु। यह चंद्रबिंदु क्या है, अनुनासिक है, अनुनासिक है चंद्र बिंदु, उसी में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है, चांदी जैसा आधे चांदी जैसा और बीच में बिंदु।